नेक्स्ट बच्चे हम की बात करें मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज मेड पॉसिबल मेनली बाई बच्चे प्रेगनेंसी को मेंटेन करना काम होता है प्रोजेस्ट्रोन का, का काम होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑन प्योरिटी द डिवेलपमेंट ऑफ प्राइमरी फोलिकल इज स्टलेटेड बाई बच्चे प्राइमरी फोलिकल की स्टिमुलेन को कौन स्टिमुलेट करता है एफ एस एच फॉलिकलटिंग आर मोन ऑप्शन सी इज करेक्ट द ओ साइट रिलीज ड्यूरिंग ओवोलेशन इज इन बच्चे देखें जो ओ साइट रिलीज होता न, है ना वो होता है सेकेंडरी ओ साइट एवोलिशन के बाद ओवोलिशन के बाद ओवलेशन के बाद जो ओ साइड लीज होता है वो सेकेंडरी होता है और वो मेटाफेज़ टू के अंदर बच्चे क्या हो चुका है वहाँ पर वो रुक चुका है क्योंकि ये उसका अगर फर्दर प्रोसीड तब होगा जब उसकी फर्टिलाइजेशन होगी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट पीछे द फॉलोइंग हार्मोन काज ओवोलेन बच्चे ओवोशन करना किस काम होता है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन एल एच हारमोन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट पीछे द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द यूट्रस वाल फॉर थिकनिंग बच्चे थिकनिंग कौन करवाता है या स्ट्रोजन करवाता है या प्रोजेस्ट्रोन करवाता है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट शॉर्ट शॉर्टेस्ट फेज़ इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ बच्चे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे जो छोटा फेज है वो कौन सा है ऑबुलटरी फेज है ऑप्शन इज करेक्ट सिक्रीशन ऑफ एफ एस एच इज इनिबिटेड बच्चे बच्चे देखें सबसे पहले जो है वो एफ एस एच रिलीज होता है चुटरी ग्लैंड से वो फॉलिकल की स्टिमुलेशन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है उनकी प्रिपरेशन को फिर जब एफ़ एस एच का लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो ओवरी होती है वो रिलीज़ करती है एस्ट्रोजन जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उस वक्त वो एफ एस एच को सिक्रीशन को इनिबिट कर देगा ताकि फर्दर फॉलिकल्स वो ना बने ऑप्शन बी इज करेक्ट प्रोजेस्ट्रोन इज सिक्रेटेड बाई बच्चे देखें हमारे पास जब जो फॉलिकल जो राइपन होती है फिर उसकी जो है वो रप्चरिंग होती है वहाँ से एग रिलीज़ हो जाएगा रप्चरिंग के बाद जो हमारे पास जो फोलिकल रक्चर्ड फोलिकल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम और फिर इस कॉर्पस ल्यूटस का काम क्या होता है प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन को सिग्रीट करना ऑप्शन इज करेक्ट ऑक्सीटॉक्सिन परफॉर्म एक्शन बच्चे ऑक्सीटॉक्सिन वो लेबर पेन वो जो वेव्स ऑफ कंटेक्शन एंड रिलैक्सेशन आती है फिर बच्चे वो एक्ट करेगा माओ के अंदर क्योंकि माया के अंदर मसल्स होते हैं और मसल्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट और, और रिलैक्स करने ऑप्शन बी इज़ करेक्ट It affects reproductive organs, eye, bone, joints, and central nervous system in patients. Which causes disease affect affect syphilis? Option A is correct. And Nizeria gonorrhea, which causes Nizeria gonorrhea disease, Gonorrhea disease, cause hai. Option C is correct.